दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तनिष्क का एंटीना वाला सेटअप बॉक्स दिखाने वाला हूं। दोस्तों आप कहोगे एंटीना वाला, तो दोस्तों ये देख लो, ये है एंटीना। इसकी मदद से दोस्तों सभी के सभी रिचार्ज वाले, बिना रिचार्ज वाले सारे टीवी चैनल इस सेटअप बॉक्स के माध्यम से आपकी टीवी में चलते हैं बिल्कुल मुफ्त में। इसमें दोस्तों कोई भी एंटीना लगाने की जरूरत नहीं है। जो एंटीना आपके छत पे लगा है उसका भी वायर इसमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसमें कोई भी मंथली रिचार्ज भी देने की जरूरत नहीं है। ये है दोस्तों एकदम फ्री डब्बा है। और इसमें दोस्तों चलते हैं GTV, कलर्स, स्टार गोल्ड 2, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, सारे चैनल चलते हैं। प्लस दोस्तों पबजी जैसा गेम भी दोस्तों इसमें बड़ी आराम से प्ले हो जाता है। तो दोस्तों एक बेहतरीन बॉक्स है तनिष्क का। अब दोस्तों आप सभी के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों आज इस वीडियो से मैं पूछूंगा आप लोगों से सवाल। उस सवाल का सही जवाब देने वाले 10 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को दोस्तों हम भेजेंगे फुल HD MPEG-4 सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों वो सेटअप बॉक्स पाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में मैं पूछूंगा इसी वीडियो से रिलेटिव सवाल। अब दोस्तों आते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। तो दोस्तों बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार से, एंटीना वाले सेटअप बॉक्स की कुछ इस प्रकार से मिलती है पैकिंग। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, दोस्तों हम अपने इस बॉक्स को ओपन करेंगे, यानी कि खोलेंगे। दोस्तों इस बॉक्स को खोलने के लिए दोस्तों यहां से दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा। दोस्तों सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहां पे आप लोग कि यहां पे फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बॉक्स के जरिए दोस्तों आप स्काइप की मदद से वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सेटअप बॉक्स तो बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन नहीं बहुत ही बेहतरीन है, इसमें सब कुछ है। दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं तनिष्क कंपनी का ये जो सेटअप बॉक्स है तनिष्क का, ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहां से ओपन होता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये तनिष्क का सेटअप बॉक्स है। और दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो एंटीना लगा हुआ है ये कुछ इस प्रकार का एंटीना है। दोस्तों ये एंटीना वाला सेटअप बॉक्स बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी डिमांड में है मार्केट में दोस्तों। और इसकी पूरी डिटेल आज मैं आप लोगों को खुल्लम खुल्ला बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंटीने की जस्ट बगल पे दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों मेमोरी कार्ड का जैक। ये देख सकते हैं आप लोग मेमोरी कार्ड का जैक है दोस्तों। यहाँ पे आप TF जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे USB का हब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो USB के हब यहाँ पे, यानी USB के तीन पोर्ट आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। और बॉक्सों से बढ़िया है SPDIF का पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों आपको इंटरनेट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, HDMI का, यानी कि आप अपनी जो भी हो TV उसमें आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पे पावर सप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों बॉक्स बहुत ही बेहतरीन है और ये देख सकते हैं आप लोग तनिष्क का ये बॉक्स है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसकी वेरिएंट के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मॉडल नंबर है TX6SH। तो दोस्तों ये मॉडल नंबर है इसका और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब ये सेटअप बॉक्स होने वाला है। अब दोस्तों बॉक्स में और देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको एक एडाप्टर मिल जाता है। उसके बाद से दोस्तों HDMI केबल, एक बहुत ही प्यारा दोस्तों रिमोट मिल जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स में मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं एंड्रॉयड यूजर मैनुअल है, गाइड है ये दोस्तों। इसकी मदद से आप दोस्तों इसमें बहुत सारी जो सेटिंग्स होती हैं उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों रिमोट की बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, रिमोट की बिल्ड क्वालिटी दोस्तों हमें तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पैकिंग है दोस्तों, ये देखिए आप लोग, ये जो रिमोट है दोस्तों बहुत ही प्यारा रिमोट है दोस्तों, अच्छा रिमोट है ये इसका। और ये जो है काफ़ी अच्छा है, बटन्स भी दबाने में अच्छे लग रहे हैं, आप इसे दबा सकते हैं। यहीं पे दोस्तों आपको एक HDMI का पोर्ट केबल मिल जाता है दोस्तों, जो कि इसकी भी क्वालिटी अच्छी ही है, इसे मानता हूँ अच्छी ही है।
उसके बाद तो दोस्तों 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक एडाप्टर मिल जाता है। एडाप्टर की जो पिन है दोस्तों ये मोटी पिन है, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर का 2 एम्पियर का है ये दोस्तों एडाप्टर, और उसके बाद 12 वोल्ट 5 वोल्ट आउट है 2 एम्पियर, और बेहतरीन ये एडाप्टर है दोस्तों। दोस्तों वहीं पे इस कंटेंट की बात करें, ये भी कंटेंट दोस्तों बहुत ही खास है, इसी की तो कीमत है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये देख सकते हैं, आप घर में लगा लीजिए, बस एंटीने की ज़रूरत नहीं, बिना एंटीने के ही दोस्तों सब कुछ काम होने वाला है दोस्तों। सभी टीवी चैनल आपको बिना एंटीने के ही एंटीने वाले सेटअप बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे हम टीवी में लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल 4K में ये वीडियो दोस्तों चल रही है। दोस्तों ये है दोस्तों तनिष्क का एंटीना वाला सेटअप बॉक्स। दोस्तों इस वीडियो में भी आप देखें, एकदम बिल्कुल 4K में हमारे पास ये चल रहा है। दोस्तों ये ऐसा सेटअप बॉक्स है जहां पे दोस्तों आपको बिल्कुल 4K 6K में सभी टीवी चैनल देखने को मिलते हैं। पेन ड्राइव में अगर आपने कोई वीडियो रखी है वो भी दोस्तों 4K और 6K में एकदम चिपक के चलेगा आपके सेटअप बॉक्स में। दोस्तों तनिष्क एंटीना वाला सेटअप बॉक्स कुछ इस प्रकार से ये ऑन होता है। दोस्तों ऑन होने के बाद आपको ये एलेक्स एडिसन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है UX। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप ईमेल के जरिए जब इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है देखने को। नेटफ्लिक्स अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स दोस्तों आप देख सकते हैं इस बॉक्स में दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, क्रोम, वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे यूट्यूब भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों आप ढेर सारी वीडियोज फिल्मों का आनंद यूट्यूब के जरिए ले सकते हैं। ट्रेंडिंग वीडियोज का भी आनंद आप यूट्यूब में ले सकते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है दोस्तों तो थोड़ा सा लोड लेगा ये, और उसके बाद से दोस्तों पानी की तरह चलने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से ऑन हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं इनको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको एयर स्क्रीन आपको मिल जाएगा, वहीं पे दोस्तों आपको कुछ OTT ऐप जो गूगल प्ले स्टोर में नहीं होते हैं वो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्रोम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्रोम इसलिए मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस बॉक्स के माध्यम से। फाइल मैनेजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फाइल मैनेजर को दोस्तों ओके करते हैं, यहाँ पे इसे अलाउ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो फाइल मैनेजर की साइज़ है दोस्तों 64 में ये बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं फाइल मैनेजर के थ्रू। वहीं भी दोस्तों मैं यहाँ से और बैक जाता हूँ, गैलरी आपको मिल जाती है, अगर आपने ये फाइल मैनेजर में रखा है तो गैलरी में शो करेगी फ़ोटोज और वीडियोज। यहाँ पे दोस्तों सेटिंग्स है, सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लोकल अपडेट आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती है। मिरर कास्ट रिसीवर, तो दोस्तों इसके लिए मिरर कास्ट के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ। सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको अपने फ़ोन में आना होगा दोस्तों, फ़ोन में आने पे कास्ट का ऑप्शन जो होता है उसे आपको यहाँ पे ओके करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ओके करना है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए सबसे फर्स्ट ये जब आप इसे रन करा देंगे क्रोम कास्ट कास्ट को, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मिरर कास्ट यहाँ पे वाईफाई डिस्प्ले ऑन हो रहा है। वहीं भी दोस्तों हमारे फ़ोन में भी ये देखिए ये कनेक्टिविटी मैं यहाँ पे ला लेता हूँ और ये मेरा पूरा फ़ोन हमारी टीवी में कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर जो भी चलाऊँगा वो चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो इसे हम काट देते हैं। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए आप इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास हमारे पास चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने फ़ोन के ज़रिए भी इसे कमांड कर सकते हैं। ये देखिए मैं अपने फ़ोन के ज़रिए ही मैं इसे कमांड कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने फ़ोन में के ज़रिए यहाँ पर मैं चला सकता हूँ। वहीं पर दोस्तों हम यहाँ पर बहुत सारी जो एप्लीकेशन होती हैं उसको भी हम यहाँ पर हम चला सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप अपने फ़ोन में ही आप बहुत आराम से आप चला सकते हैं।
तो दोस्तों इसे हम बैक करते हैं। ये देखिए हमारा फ़ोन बंद हो गया, अब इसे मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप म्यूजिक सुन सकते हैं। यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यहाँ पे प्ले स्टोर, सेटिंग्स में आप जाते हैं दोस्तों। सेटिंग्स में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सेटिंग्स में आप यहाँ पे आएंगे नेटवर्क से, इंटरनेट पे आपको ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब ये तो हमारे हैं, आपके जो भी जितने भी फ़ोन होंगे उनका वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आप ओके करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई के जरिए। वहीं भी दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे टीवी सेंटर है, बाकी यूट्यूब है। अब दोस्तों इसमें टीवी चैनल्स मैंने आप लोगों को चला के ही नहीं दिखाया, तो चलिए दोस्तों इसमें हम टीवी चैनल्स चलाने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद टीवी चैनल आपको चला के दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि ओरियो टीवी को मैंने यहाँ पे, जिसमें टीवी चैनल जियो टीवी चलता है बिल्कुल फ्री में, इसे इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों अब इसको करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग करनी होगी। ओरियो टीवी इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ये सेटिंग्स आ गया, यहाँ पे योर डिवाइस नॉट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे क्रोम को ओके करते हैं, ऑन करते हैं दोस्तों, सब ऑन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये ओपन कह रहा है, हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसे दोस्तों मैंने ओपन कर दिया है और अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये है ये ऑन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं हम लाइव टीवी में। दोस्तों ये देख सकते हैं तनिष्क का ये सेटअप बॉक्स कितना फर्स्ट क्लास यहाँ पे सोनी मैक्स HD चल रहा है। वहीं पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं GTV भी दोस्तों बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। दोस्तों बच्चों को देखने के लिए दोस्तों ये है पोगो, पोगो भी दोस्तों हमारे पास चल रहा है। तो दोस्तों ये सब कैसे चल रहा है ये पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा जियो टीवी है, ये आप लोग देखिए यहाँ पे जियो टीवी है और जियो टीवी में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे टीवी चैनल आपको देखने को मिलते हैं। लगभग दोस्तों 1000 से ज़्यादा टीवी चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे स्पोर्ट के टीवी चैनल, न्यूज़ के टीवी चैनल और भी बहुत सारे टीवी चैनल आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों किसी भी चैनल पे ओके करना है और उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैसे दोस्तों मैंने माउस से कनेक्ट कर रखा है, मैं रिमोट से नहीं चला रहा हूँ अभी, और बाकी मैं रिमोट से भी मैं चला के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए रिमोट से चल रहा है मेरा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्ले लेने में टाइम लेगा दोस्तों, जितना अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा दोस्तों उतना ही ये फास्ट चलेगा, उतना ही फास्ट ये दोस्तों काम करेगा और जल्दी से प्ले होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास हैं, ये सारे के सारे दोस्तों अलग अलग कंट्री के अलग अलग लैंग्वेज के टीवी चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे हमें एक चैनल, एक ऐप मिल जाता है, यानी कि ये एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी टीवी चैनल देख सकते हैं, किसी भी टीवी चैनल पे हम ओके करेंगे दोस्तों हमारा टीवी चैनल चलेगा। तो चलिए दोस्तों एंड टीवी हम आपको यहाँ पे लगा के दिखाते हैं, यहाँ पे HD पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें फुल HD में दिखाना है आप लोगों को। तो दोस्तों इस सेटअप बॉक्स में दोस्तों आप गेम भी प्ले कर सकते हैं, दोस्तों किसी भी प्रकार का गेम आप इस बॉक्स में चला सकते हैं। दोस्तों ये देखिए भाभी जी घर पे हैं, चल रहा है दोस्तों फर्स्ट क्लास। दोस्तों हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते और दो बार मैं बाहर निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो हैं टीवी चैनल, जो भी टीवी चैनल आप क्लिक करेंगे, सोनी पल, जी मराठी, यानी किसी भी लैंग्वेज के टीवी चैनल को आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। रिश्ते सिनेप्लेक्स यानी कलर्स रिश्ते आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोनी मैक्स 2, जियो सिनेमा दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे टीवी चैनल देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस सेटअप बॉक्स के माध्यम से दोस्तों बिल्कुल फ्री में। दोस्तों थोड़ा सा इंटरनेट आपको कनेक्ट करना होता है बस, दोस्तों ये सभी टीवी चैनल बहुत तेज स्पीड में चलने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे टीवी चैनल है, कुछ रेडियो के भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मैं MX प्लेयर के अगर आपको प्रोग्राम देखने हैं, जैसे कि ये जो OTT एप्स वाले जो जो सीरियल होते हैं, जो फिल्में होती हैं, उन्हें अगर आपको देखना है तो आप एक कुछ इस प्रकार से इसके ज़रिए देख सकते हैं, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म के भी देख सकते हैं। हॉटस्टार अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हॉटस्टार के शो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जगुअर सीरीज का आपको यहाँ पे देखना है तो ये जियो का है, इसे भी देख सकते हैं। वूट अगर आपको देखना है तो वेलवेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, हर एक प्रकार के आपको टीवी सीरियल, OTT ऐप, टीवी फिल्में और फ्री टू एयर टीवी चैनल, रिचार्ज वाले टीवी चैनल, सब कुछ आपको इस बॉक्स में
देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका इंटरफेस आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, यानी कि 10 सेटअप बॉक्स है दोस्तों, उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आप सवाल का जवाब भी दे दें। ये जो सेटअप बॉक्स दिखाया है ये किस वेरियंट में है और इसका जो रैम और उसके पास रोम क्या है जो मैंने बताया है इस वीडियो में, ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहां से जाएं दोस्तों, आप आराम से इसे ख़रीद सकते हैं, इस सेटअप बॉक्स को। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूं किसी और नए वीडियो में।